Hello my beautiful people, welcome and welcome back to my channel. This is Shree here and I really hope that you guys are doing amazing. So in this video main aap log se share karne wali hu ye glowing glam sa Indian party makeup tutorial. आप इसे किसी भी वेडिंग फंक्शन या किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आप इसे क्रिएट कर सकते हो. एंड आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल. सो अगर आप बिगनर हो देन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. एंड मैं शेयर करने वाली हूँ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है. सो अगर आपको जानना है आप इस टाइप की ग्लोई ग्लैम लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. एंड मैंने क्रिएट करा है गोल्डन स्मोकी आई एंड इस लुक को मैंने कंप्लीट करा है विद अ डार्क रेड लिपस्टिक. सो इफ़ यू वांट टू सी हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ ग्लोई ग्लैम लुक देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विद दैट बेल आइकन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर रूटीन को फिनिश कर लिया था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो देन यहाँ मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी फर्स्ट मेकअप के लिए. उसके लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई मेकअप प्राइमर. इसमें है पर्ल पार्टिकल जो आपकी फेस पे एक ग्लो ऐड करेगा, साथ ही साथ आपकी पोर्स को फील करके एक स्मूथ बेस बना देगा जिससे आपका फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होकर ब्लेंड हो जाएगा एंड आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होगा. सो एज यू कैन सी ये एक ग्लो ऐड कर चुका है मेरी फेस पे एंड मैं इसे अप्लाई करूँगी जॉ लाइन पर भी. सो या देन फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है यहाँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन. यह है नॉर्मल टू ऑयली स्किन. इसमें जो मेरा शेड है वो है 230 नेचुरल बफ. सो इसके साथ मैंने मिक्स करा है पॉन्स मॉइस्चराइजर एक ग्लोई सा लुक के लिए क्योंकि ये एक मैट फाउंडेशन है दस आए. सो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी फेस पे एंड नेक पे. एंड गाइस कई बार ऐसा होता है हमारी नोज़ के अराउंड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है कभी कभी. ये मेरे साथ होता है दस आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम होता होगा. सो आपको क्या करना है अपनी नोज़ के अराउंड उसे फाउंडेशन को थोड़ा सा स्मज करते हुए आपको अप्लाई करना है लाइक दिस. देन आप उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो. वो ईजिली ब्लेंड हो जाएगा एंड बिल्कुल केकी पैची नहीं लगेगी. सो मैं स्टार्ट करूँगी नेक से फाउंडेशन को ब्लेंड करना विद अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि कई बार ऐसा होता है जितना हम फेस को प्रेप करते हैं उतना हम नेक को प्रेप नहीं करते हैं एंड दिस इज़ वेरी ट्रू. कभी कभी छूट जाता है. सो जब तक हम फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे होंगे ना तब तक हमारी जो नेक पे फाउंडेशन है वो ड्राई हो जाता है एंड अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर सेम थिंग आपके साथ भी हुआ होगा देन आप पहले अपनी नेक के फाउंडेशन को ब्लेंड कर ले देन फेस पर जाइए. देन फेस के फाउंडेशन को मैं ब्लेंड करूँगी एंड साथ ही साथ अपनी ईयर को भी कवर कर लूँगी. एंड गाइस फाउंडेशन केकी होता है हमारी माउथ एरिया के पास मोस्टली एंड नोज एरिया के पास. सो आपको उसे डैबिंग मोशन पर अच्छे से ब्लेंड करना है. एंड गाइस आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेना है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है. अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई भी कर लेते हो देन ये एक्सेस को सोक कर लेगा एंड आपको आपका डिज़ायर कवरेज मिल जाएगा. सो कंसीलर के लिए यहाँ मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड मीडियम बेज. सो इससे मैं अपनी आईलिड पर फोरहेड पर प्रिजर्व द नोज पर क्यूपिड बो नोज एरिया के पास माउथ एरिया के पास एंड अंडर आई एरिया पर एंड जहाँ जहाँ थोड़े से अभी भी मेरी फ्लॉज दिख रहे थे वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी उसे हाइड करने के लिए. सो विद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर कंसीलर को भी आपको डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है. एंड गाइस मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये कहा है आपकी आईलिड पे जो कंसीलर आपने लगाया हुआ है उससे आप सारी कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद उसे ब्लेंड करें क्योंकि वो क्रीज जल्दी हो जाती है. सो देन कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने लिया है पर्पल कॉम्पैक्ट इन द शेड 01. सो एक ब्रश की हेल्प से मैं जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई करा था उस एरिया को सेट कर लूँगी. एंड गाइस आपको बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है ब्रश की हेल्प से, पाउडर को आपको प्लेस करना है देन एक्सेस को आपको डस्ट आउट कर लेना है. सो देन जहाँ जहाँ हमें
सॉरी जहाँ क्रीजेस होने के चांसेस होते हैं लाइक आपकी माउथ एरिया के पास, नोज एरिया के पास एंड फोरहेड के कॉर्नर्स पर, उस एरिया को आपको सेट करना है. समर में मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पूरी फाउंडेशन पूरे फेस को सेट ना करें, बस इस एरिया को सेट करें जहाँ क्रीजेस होने के चांसेस होते हैं. सो देन एक बड़ा सा पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने सेम पर्पल कॉम्पैक्ट से अपनी ईयर को एंड नेक को भी सेट कर लिया है. सो आई शेडो के लिए मैंने लिया है, पूरा आई मेकअप के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का शेडो पैलेट. इसमें आपको 10 ब्यूटीफुल शेड्स मिल जाएंगे. उसमें से मैंने लिया था ये ट्रांजिशन शेड. सो उसी से मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है. नेचुरल जो मेरा शेप था उसी के अकॉर्डिंग मैंने फिल कर लिया है. देन मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए एक एंगल ब्रश की हेल्प से लिया है ये डार्कर मरून शेड. इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी क्रीज लाइन पर. देन एक फ्लपी ब्रश की हेल्प से मैंने लिया था ब्लैक शेड बहुत ही लाइट वेट से. देन मैं इसे आउट ऑफ व्यू पर ब्लेंड करूँगी एंड वो क्रीज लाइन को क्रीज लाइन पर जो मैंने शेड लिया था प्लेस करा था उसी के साथ मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड आउट ऑफ व्यू पर और थोड़ा सा ब्लैक शेड में लूँगी एंड उससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. गाइज आई मेकअप का एक ही फंडा होता है ब्लेंडिंग. मेकअप का भी सेम फंडा होता है. सो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, आपको टाइम देना है ब्लेंडिंग में एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट गोल्डन स्मोकी आई लुक. सो देन मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड से ये सिंगल आई शेडो. ये है गोल्डन शेड क्रीम आई शेडो है ये. सो मैं इसे अपनी इनर कॉर्नर से हाफ लिड तक अप्लाई कर लूँगी एक फिंगर की हेल्प से. देन मैंने सेम वेट एंड वाइल्ड पैलेट से लिया है ये गोल्डन शेड एक ब्रश की हेल्प से. देन जहाँ मैंने वो क्रीम आई शेडो अप्लाई करा था उस एरिया को मैं सेट कर लूँगी इसी गोल्डन आई शेडो से. सो देन मैंने अगेन लिया है थोड़ा सा ब्लैक शेड लाइक बहुत ही लिटिल अमाउंट में एंड मैं उसे वो ब्लैक शेड गोल्डन के साथ मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी आउट ऑफ पेपर ताकि हमारी आई शेडो ब्लेंडेबल लगे. सो देन यहाँ मैं एक थिन आईलाइनर ड्रॉ करूँगी विद बेला वोस्ट लिक्विड आईलाइनर इन द शेड मिडनाइट ब्लैक. सो मैं इसे हाफ लिड तक ही आईलाइनर ड्रॉ करूँगी क्योंकि हमने क्रिएट करा है स्मोकी आई. सो हमें फुल विंग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो देन यहाँ मैं अपनी लोयो वाटर लाइन के लिए लिया है स्टेक वर्क की आई लव यू टू काजल. दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल स्मच प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग काजल. सो इसे अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा हैवी अप्लाई करूँगी. देन ब्लैक शेड के साथ मैं उसे मिक्स कर लूँगी काजल को लोयर लास्ट लाइन पर अच्छे से स्मच कर लूँगी एंड ये थोड़ा सा मुझे हैवी लगा था दैट्स व्हाई मैंने लिया था कॉम्पैक्ट फ्लपी ब्रश की हेल्प से एंड मैंने उसे लाइट दिखाने के लिए अगेन वो लोअर लास्ट लाइन पे वो कलर्स के साथ मैंने उसे स्मश कर लिया था एंड ये लाइट हो गया. सो देन देन सेम गोल्डन आई शेडो से मैंने अपनी इनर कॉर्नर को एंड ब्रा बोन को हाईलाइट कर लिया है एक सटल सा ग्लो के लिए. सो देन यहाँ मैं अपनी आईलर्स को कर्ल कर रही हूँ ताकि हमारी लैशेस पे एक वॉल्यूम ऐड हो जाए, आपकी नेचुरल लैशेस से एक नेचुरल लैशेस पे एक वॉल्यूम ऐड हो जाएगा अगर आप अपनी लैशेस को इस टाइप से कर्ल करते हो. आई एम सो सॉरी. सो देन यहाँ मस्कारा के लिए मैंने लिया है लैकमे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा. इसी से मैं अच्छे से कोट कर लूँगी अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को क्योंकि इस लुक के लिए मैं कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी. सो देन अपनी फेस को एक शेप देने के लिए मैंने लिया है लोरियल का ग्लैम ब्रॉन्ज. इससे पहले मैं प्लेस करूँगी देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी क्योंकि गाइस अगर आप सिंपली ड्रैग करते हो ना, क्योंकि फाउंडेशन को हमने सेट नहीं किया, अगर ड्रैग करते हो देन हो सकता है आपका फाउंडेशन हट भी सकता है. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले अपनी ब्रॉन्जर को प्लेस करें अपनी हॉलोज ऑफ द चिक्स के थोड़ी सी ऊपर हम ब्रॉन्जर अप्लाई करते हैं. सो वहीं पर अप्लाई करके आप उसे ब्लेंड कर ले. देन मैं अपनी नोज़ को एंड अपनी जॉ लाइन को भी कॉन्ट्रोल कर लूँगी विद सेम ब्रॉन्जर. देन अपने ब्रॉन्जर को मैं ब्लेंड करूँगी विद डैम ब्यूटी ब्लेंडर हमने जो कॉन्ट्रोल करा हमने हमारी फेस को जो हमने शेप दिया है वो थोड़ी सी नेचुरल लगे. सो देन यहाँ ब्लश के लिए मैंने लिया था शुगर का ब्लश मिनी ब्लश इन द शेड 03.
सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी सेम प्रोसेस में. पहले मैं इसे प्लेस करूँगी अपनी एपल ऑफ द चिक्स पर, देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी बहुत ही लाइट वेट से. देन मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी विथ अगेन डैम ब्यूटी ब्लेंडर ताकि ये नेचुरल लगे, बिल्कुल भी हैवी ना लगे. एंड अगर आप हैवी ले जाते हो ना ब्लश, देन आप उसे ब्लेंड कर ले, वो हो जाएगा नेचुरल दिख जाएगा. सो देन यहाँ हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है सिवाना पैलेट से ये सिल्वर शेड. इसी को मैं अपनी हाईएस्ट पॉइंट्स लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चेक बोन, चिन, फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी. सो देन हम इस हाइलाइटर को भी ब्लेंड करेंगे, बट मैं पहले अप्लाई कर लूँगी सेटिंग स्प्रे, देन मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. इससे हमारा हाइलाइटर एक बहुत ही हमें सटल ग्लो देगा, बिल्कुल भी चंकीनेस नहीं रहेगा. एंड सेटिंग स्प्रे से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा. सो देन यहाँ लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है साई स्टाइल द मेकअप स्टोरी लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड ओ हीरोइन. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डार्क रेड लिपस्टिक. एंड गाइस मैंने आपको बताना भूल गई थी, मैंने अपनी लिप्स पे फाउंडेशन अप्लाई करा था क्योंकि मेरी लिप्स थोड़ी सी पिगमेंटेड है, थोड़ी सी. सो ऐसे करने से आप जो कलर ऐड करोगे लिप कलर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट होगा. दस आए सो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक. मैंने इस लुक को कंप्लीट करा है विद झुमका एज यू कैन सी. सो ये रहा फाइनल फिनिश लुक. आई रियली होप आपको ये लुक पसंद आ रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर पसंद आई है देन hit that like button, share this one with your friends, family and everyone. And do comment down below ये video आपको कैसी लगी, ये look आपको पसंद आई या नहीं आई. And guys I'm so sorry बहुत ज़्यादा mistake हो रही है voice over करते time, क्योंकि guys lockdown है, सारे घर पर है. So थोड़ा सा manage कर लो आप लोग please. So या गाइज एंड गाइज आई रियली होप आप सब सेफ हो, प्लीज़ घर से मत निकलिए. अगर कोई ज़रूरी काम है तभी जाकर बाहर जाइए, क्योंकि अब आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन. सो या गाइज दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वन. सो या लास्टली प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विद दैट बेल आइकन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो एंड चेक आउट देयर. सो सी यू सून विद अनदर न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.